चलते हैं हम अब जरार की तरफ और आपको बताते हैं कि किड सेक्शन में बिल्कुल जिसको उठाते हैं आप ट्रेनर काशिफ ट्रेनर तमीना गुड मॉर्निंग वेलकम क्या है आज हमारे ये तो मुझे लगता है कि कुछ रेजिस्टेंस बैंड के साथ वर्कआउट तो है ही है लेकिन एक छोटी सी मैं एक बात करना चाहूंगा मजेदार बात है मुझे ऐसे ही क्लिक की कि आपने जो ऐसे तौसीफ भाई ने भी बताया कि इधर झांकिए उधर झांकिए ताकि आपको कुछ पता चले लेकिन मैं कहना चाहूँगा इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो प्लीज़ हमारा शो देखिए हर चीज़ हर दिन नहीं होती है पूरा हफ्ता ये तो बात सही है तुमने सही मशहूरी चला दी अपने शो की yes. हर सेगमेंट आपके लिए उस इंफॉर्मेटिव होता है चाहे वो किड्स सेगमेंट हो, होता है और नया होता है जैसे तो सिख भाई ने बात की कि आप इधर उधर झांकिए उसका मतलब यही है अगर वहां इधर उधर नहीं झांकना तो यहाँ झांकिए पीटीवी होम शुरू करते हैं आज का वर्ल्ड कप जी बात चले काशिफ मैं क्या कह सकती हूं आज काशिफ कम टू द वर्कआउट यस यस काशिफ आपको वर्कआउट बताएंगे आज आप देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रेच बैंड्स हैं हमने इससे पहले भी एक दफा आपको इसके साथ एक्सरसाइज बताई बल्कि हमारे प्रोड्यूसर्स ही हमसे पूछ रहे थे कि अल्टरनेट भी देना होता है कि आप इसका अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं इलास्टिक एंड ही वाज राइट मैं उनसे ही बात कर रही थी आई केम टू रिमेम्बर कि बचपन में एक इलास्टिक बैंड टाइप की कोई चीज़ होती थी जो बचपन में हम सहेलियाँ जो हैं मतलब वी डू लॉट ऑफ थिंग्स विद इट एंड वी जंप एंड देन पुट आवर फीट ऑन इट तो मुझे उसका नाम नहीं पता था बट दे टोल्ड मी कि इट्स कॉल्ड इलास्टिक बैंड जो कि किसी भी जगह से इजीली अवेलेबल है तो आप वो यूज कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव दिस राइट लेकिन आप कोशिश करें मार्केट से आपको आराम से पता चल जाएगा आज बिल्कुल वार्म अप करेंगे सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी है जी तहमीना सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी है हाथ ऐसे रखेंगे और आपने ऑपोजिट साइड यानी कि आपका राइट हैंड ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग ऊपर आएगी अच्छा हमने आप ओके ऑपोजिट करना है ऑपोजिट दिस इज नॉट इजी काशिफ के साथ मुझे हमेशा राइट साइकोलॉजिकल डिफिकल्ट है और आपने करते रहना है जब तक आपको महसूस ना हो कि आपकी बॉडी अच्छी तरह से वार्म अप हो चुकी है ब्लड सर्कुलेशन हो रही है इसमें कोई रेफरेंस नहीं है आज हमारी 30-50 सेकंड्स तक आप हर वार्म अप की एक्सरसाइज को करना है और हर वर्कआउट की एक्सरसाइज को आपने एटलीस्ट 5 मिनट तक आप वार्म अप जरूर करें ताकि आपकी बॉडी लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी अगली एक्सरसाइज जो है उसमें हमने बेसिकली यूं खड़े होना है बैक स्ट्रेट हल्के से नीज बेंड और आपने इमेजिनरी रोप पुल करनी है यस यू आर पुलिंग द रोप अच्छा काशिफ को याद है कि मतलब हमारे जिम में हमारे पास बेसिकली रोप्स होती है बेटर रोप होती है यू डू अ रोप वर्कआउट जो वेटेड होती है तो हम उसके साथ वी डू लॉट ऑफ थिंग्स अब मैं यहाँ रोप्स ला नहीं सकती अदरवाइज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्कआउट तो अगर हम इमेजिन करें तो यूजली वी डू दिस दैट वी पुश ठीक है बट इट्स रियली रियली इफेक्टिव एंड फन यस एंड लेट्स मूव ऑन टू लास्ट एक्सरसाइज वार्म अप की आपको थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा आपको लग जाएगी मैं अकेला कर रहा हूं नहीं नहीं आप खड़े रहिए इसमें आपने स्विच करना है अगेन पूरी बॉडी का वार्म अप है आप देखेंगे yes. क्योंकि अब काशिफ की बॉडी हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है लेकिन काशिफ की पूरी बॉडी रोटेट कर रही है सो अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी आपकी सारी की सारी वार्म अप होगी सो यू कैन डू इट विद मेंटल कोऑर्डिनेशन और फोकस के लिए भी इस तरह की एक्सरसाइजेस जरूरी है सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं स्विच कर रहे ना ज़हन के लिए भी इस तरह की एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है और बचपन में तो खैर स्कूल्स में ये सिखाई जाती थी आपको कि किस तरह से आपने हैंड्स एंड आर्म्स कोऑर्डिनेशन करनी है तो आई थिंक इट्स गुड लेट्स प्ले विद द कलर्स टू येलो आप ले ले रेड मुझे दे दीजिए आई लाइक रेड ये लीजिए फिर ये लीजिए नहीं नहीं यू कैन हैव इट नो प्रॉब्लम अच्छा जी आप फैसला कर लें हम कल आ जाएंगे नहीं ओके अच्छा जी पहली एक्सरसाइज हमने करनी है आई विल जस्ट होल्ड इट ये बेसिकली अटैच करने के लिए होता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ाने के लिए ठीक है तो इसको हम सबसे पहले बेंट ओवर रोज लगाएंगे बेंड हुए मैं थोड़ा सा डायगोनल हो जाता हूं तो सीख भाई मुझे इजाजत दीजिए ठीक है मैं ऐसे ठीक हूं परफेक्ट ओके जी आपने यू बैक स्ट्रेट की बेंड हुए आर्म स्ट्रेट किए ऊपर आए एंड किक बैक वापस आए रोज किक बैक अगर आपने स्ट्रेच बढ़ाना है रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो इसको आपने डबल कर लिया फिर ऊपर आए एंड
किक बैक, टेंशन बढ़ती जाएगी। अच्छा, पोजीशन आप अपनी चेक कर लीजिएगा कि जैसे अभी हम लोगों की पोजीशन जो है, एक तो हम लोग बिल्कुल जो है यानी हमारे फीट अपार्ट हैं, उसका मकसद ये है जस्ट टू बैलेंस, और चूंकि रेजिस्टेंस बैंड्स में जो है इट टेक्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, तो आपने फीट लॉक की है बट नीज लॉक नहीं है, एंड देन फिर आप उसको जितना इंटेंस करना चाहें यू कैन डू इट, बट मेक श्योर आप स्लाइटली बेंड भी कर सकते हैं, आपकी पोजीशन जो है करेक्ट हो, एंड एब साइड, एंड देन यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है तो सीख भाई हमारी फ्रंट स्क्वाट बेसिकली। अच्छा, ये जो है इसको कहते क्या है इस चीज को? रेजिस्टेंस बैंड। रेजिस्टेंस बैंड, और ये इजीली स्पोर्ट्स शॉप पे अवेलेबल होता है, अगर ना मिले तो इलास्टिक, एंड दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बता दिया, मतलब ये भी नहीं है कि कोई हजारों, मतलब सस्ती चीज है, कोई ऐसा इशू नहीं है, एंड यू कैन डू एवरीथिंग विद इट। और हर एक्सरसाइज को आपने 30 टू 50 सेकंड्स तक परफॉर्म करना है, नो नंबर ऑफ रेप काउंट, कोई रेप रेंज नहीं है हमारे, आप बॉडी के अगेंस्ट आपकी रेजिस्टेंस है, स्क्वाट्स को हम अक्सर दिखाते रहते हैं विद द डंबल्स एंड ऑल, लेकिन रेजिस्टेंस आप बढ़ा भी सकते हैं, देखिए मैंने कैसे स्विच किया और बहुत टेंशन बढ़ गई है। अच्छा, रेजिस्टेंस को आम जबान में बता दूं कि जो फोर्स होती है, लाइक बेसिकली आप यानी अपनी अब नीचे जा रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, लेकिन आपको आप रेजिस्टेंस बैंड्स के थ्रू आपको बेसिकली एक मतलब रुकावट है जिसको इजी वर्जन में बता सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू रशियन ट्विस्ट्स। ओके, इसमें तहमीना थोड़ी सी मॉडिफिकेशन बताएंगी, आपकी हील्स जो हैं ग्राउंड पे रहेंगी तहमीना, मैं जो है हील्स अपनी ऊपर रखूंगा, थोड़ा सा पीछे हो जाऊंगा ताकि टेंशन रहे जी, और मैंने टेंशन और बढ़ा लिया, एंड स्विच क्रॉस ट्विस्टिंग। ओह, दिस इज नॉट इजी। हैंड्स मूव हमने नहीं करने, अपर बॉडी स्विच करनी है, क्योंकि लेग्स उठा लिए, रेजिस्टेंस भी है ऑब्वियसली, एंड देन यू ट्विस्टिंग, तो कोर का एक एक्स्ट्रा जो है लोड है कोर के ऊपर। असल में एक गड़बड़ ये भी होती है कि काशिफ हर मुश्किल एक्सरसाइज इतनी आसानी से कर रहा होता है कि वो देखने में लगता है यार यार मसला कोई नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, ये क्या बड़ी बात है, लेकिन जब करने पे आओ तो लग पता जाता है। स्पिरिट बेसिकली। हां, दैट्स अ स्पिरिट एक्चुअली। सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि जब आप एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं और उसमें सेगमेंट कर रहे होते हैं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज करते हुए बोलना बहुत मुश्किल होता है, आप आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है साइड रेज। आबिद राजी, साइड रेज। अच्छा, वो फिर आप काशिफ करेंगे, बिल्कुल आप एक्सप्लेन करिएगा और आप एक्सप्लेन करिएगा। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अगेन आप देखेंगे लैटरल रेजेस यू डू इन द जिम, लेकिन अभी रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू करें, सो यू वर्किंग एक्चुअली योर ये जो आपके मीडियल डेल्टॉइड है, जो कि आपका जिसको साइड का शोल्डर आप बोलते हैं, तो उसके साथ आप कर रहे हैं, योर बैक इज लिटिल बिट इन्वॉल्व, बट अदरवाइज इट्स वर्किंग ऑन योर शोल्डर्स मोस्टली। इसमें आप थोड़ी सी रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, एक और टांग ले आइए, शोल्डर विड्थ पार्ट कर लीजिए आपके स्टैंस का, एंड टेंशन बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप यूं भी कर सकते हैं, and you can attach more bands if more you would bands, want to wo phir zyada force ki aapko zarurat pad jayegi, again 30 to 50 seconds har exercise ko karna hai। next hamari exercise hai tamina reverse lunges plus curls, bicep curls karenge hum, combine kar rahe hain lower and upper body ko, aapka blood circulation niche se upar ekdam aayega, thodi si tough hai lekin let's try, aap kar sakte hain, aap hamare sath kar bhi rahe hain, ready tamina? theek hai ji, reverse lunge with the bicep curl, mujhe bhi thodi resistance badhani padegi, theek hai। अच्छा, अगर एक टेमिना आप वो बता दीजिए, आप जिसमें लेग वहीं पे कांस्टेंट रखे जी, अगर आप बिगिनर हैं और ज्यादा आप मूव नहीं कर सकते हैं तो यू कैन सिंपली डू दिस, प्लीज टेमिना का लेग्स क्लोज अप लीजिएगा, टोज का, ये वो देखिए वो स्विच नहीं कर रही है और मैं स्विच कर रहा हूं, सो आई एम वर्किंग ऑन माय बाइसेप्स एंड आई एम वर्किंग ऑन माय ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स। इसी तरह से आप दूसरी लेग पे स्विच करके अगली साइड को आप ट्रेन कर सकते हैं 30 to 40 50 seconds तक। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस बैंड जो है, ये पूरा का पूरा जिम है। तो सीख भाई, ट्रस्ट मी, मैं इस बैंड के साथ में आपको 300 घंटे का कंटेंट प्रोड्यूस करके दे सकता हूँ, सिर्फ इससे 300 घंटों का, 300 घंटे की एक्सरसाइजेस सिर्फ इस एक बैंड से, इस एक बैंड से। तो हम कई दफा ये जो बहाने बनाते हैं कि हाँ मेरे घर के पास कोई जिम है नहीं, मैं जिम की फीस अफोर्ड नहीं कर सकती या कर सकता, और जिम कौन जाए, मेरे पास वक्त नहीं है, जॉब से वापस आओ, ये सब बहाने होते हैं। अगर आपने फिट और एनर्जेटिक रहना है तो इस तरह का चंद 100 रुपए का रेजिस्टेंस बैंड जो है वो आपका पूरा का पूरा जिम है। आप अगर एक छोटे से कमरे में जी आप पूरा अपना जिम बना सकते हैं, जैसे हमने कल बॉल यूज की थी या कुछ भी है, बट द मेन थिंग इज ठीक है कि यू हैव टू बी डिटरमिन्ड इन सम वे कि आप करना चाहते हैं, और वो इजी नहीं है, बट यू कैन डू इट, यू हैव टू बी एक्टिव। अगर आपको कोई फिटनेस गोल नहीं है, आप दुबले पतले नहीं रहना चाहते हैं, एटलीस्ट हेल्दी तो रहिए, क्योंकि मैं ये हमेशा कहता हूँ तमाम दोस्तों से
कि आपका दारोमदार आपके कारोबार का, आपकी फैमिली का, आपके जिंदगी का, पूरे सोशल सर्कल का दारोमदार आप पे डिपेंड करता है। जब आप बीमार होते हैं तो आपको पता चल जाता है क्या क्या चीजें इफेक्ट हो रही हैं। अपना ख्याल रखिए, उसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज करें या इंटेंस एक्सरसाइज करें, कोई फिटनेस गोल हो। हमारा मकसद होता है आप एक्टिव हों, आप थोड़ा सा मूवमेंट हो आपकी बॉडी में, हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा काशी, इसी हवाले से सिर्फ हमने एक क्वेश्चन का एक है था क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज बता देते हैं, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन अगर टाइम हो तो ले लेंगे। नो प्रॉब्लम। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है हमारी स्टैंडिंग ट्विस्टिंग, आप कीजिए साथ में, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा तमीना यहाँ भी रख सकती हैं, वो आप मॉडिफिकेशन बताइए, मैं ज्यादा ऊपर ले जाऊंगा रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। नो प्रॉब्लम। एंड कोर नाइस एंड टाइट, लोअर बॉडी लॉक। अच्छा ठीक है, आप चाहें तो आप यानी अपनी ओब्लिक्स की साइड पे भी कर सकते हैं, और जैसे कि अभी काशिफ ने किया, यू कैन लिफ्ट इट अप एंड देन यू मूव इट। लेकिन एक चीज का ध्यान आपने रखना है कि आपने ज्यादा यानी जर्क नहीं करना, यू हैव टू बी कंट्रोल्ड, और फिर आप स्लोली बेसिकली 180 डिग्री एंगल वी आर रोटेटिंग। अच्छा तो यू कैन मूव साइड टू साइड एंड रोटेट। सिर्फ पोस्चर के हवाले से बात करनी थी, के हवाले से एक क्वेश्चन हमें आया था, उसके बाद हमने ब्रेक पे सनम खानी का सवाल है, उन्होंने इलाका नहीं बताया, अपना एज नहीं बताई, लेकिन उनके पोस्चर का इशू है। तहमीना थोड़ा मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी सनम खानी की, मतलब जो आपने किया इट्स अ वेरी लेंथी ये इसका आंसर है, और मुझे आपकी वो पोजीशन भी नहीं पता, क्योंकि तीन तरह की स्पाइन प्रॉब्लम्स होती हैं, लोर्डोसिस है, काइलोसिस है और स्कोलियोसिस है। तो प्लीज क्लियर करके अगर आप वो बता दें तो देन आई कैन रिप्लाई यू के उस पोस्चर के लिए। तीनों कैटेगरीज के हवाले से अलग-अलग से एक सेगमेंट हो सकता है, बल्कि पूरा पूरा प्रोग्राम हो सकता है। ट्रेनर काशिफ और तहमीना क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं, हम लोग हमारा जो फेसबुक पेज है ब्रेकफास्ट सेट होम, उस पर जाके आपकी क्वेरीज के, आपके सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन ये नहीं चाहते कि सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे पास जवाब है, आपको जवाब दे दें और उससे आपकी इंजरी जो है वो बढ़ जाए, इसलिए अपना प्रॉब्लम जो है उसको डिटेल में लिख कर भेजा कीजिए। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। हम चल करेंगे जी एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और मशहूरिया ब्रेक के बाद मेरे क्लास फेलो जरार मेरे साथ होंगे।